Myself, Rahul Mishra. People know me by the name of Ron MTV. Hey guys, welcome back to the channel once again. I hope आप सब बढ़िया हैं, सब मजे कर रहे हैं. अभी फिलहाल I am at a very extreme place. I am at Pimpri Chinchwad and मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर्स पे हूँ. यहाँ पे कल रेस है, राइट? सो टुमारो इज़ अ वेरी बिग रेस विच इज़ साइक्लोथॉन एंड अभी आई एम विद द गाइस दीपक भैया एंड नीरव सर. यहाँ का एक स्मॉल टूर देता हूँ आप लोगों को और एक मैं छोटा सा परफॉर्मेंस भी कर रहा हूँ. नॉट रियली बिग, एक काइंड ऑफ जस्ट टू स्प्रेड द वर्ड की दैट इज़ अ स्पोर्ट लाइक स्ट्रीट ट्रायल और समथिंग. सो अभी मैं आप लोगों को एक ये टूर देता हूँ एंड उसके बाद में मैं परफॉर्मेंस भी आप लोगों को दिखाता हूँ. फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं. अभी मैं लंच करूंगा एंड देन आई विल सी अगर कुछ कर सकते हैं तो. वी आर गोइंग टू टेक अ पेस नाउ. सो बेसिकली द सिनेरियो हियर इज लाइक यहाँ पे कल है साइक्लोथॉन जो कि बहुत बड़ा एक इवेंट होता है. रोड साइक्लिस्ट लोगों के लिए बहुत बड़ा रेस होता है और हम लोगों ने एक स्टॉल पुटअप किया जहाँ पे हम हमारी बाइक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं. उसके अलावा ये जो लोकेशन है ये है पिंपरी चिंचवाड़ में पुलिस हेडक्वार्टर्स है. कल IPS के AP सर भी आए थे यहाँ पे और उनको भी मिला. मोस्ट प्रोबेबली आज भी आएंगे तो डेफिनेटली मिलना होगा एंड अगर हुआ मिलना तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा. सब बेस्ट पार्ट इज़ लाइक आई एम एबल टू परफॉर्म इन द हेडक्वार्टर्स. पुलिस हेडक्वार्टर्स में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट है. तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं ऑडिटोरियम हॉल में जहाँ पे IPS कृष्णन सर एक स्पीच देने वाले हैं. सो वो स्पीच को कवर करता हूँ मैं, जो भी मेरे से पॉसिबल होगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. एंड ये है पुणे साइक्लोथॉन जो कल हो रहा है एंड अभी फिलहाल हम लोग ऑडिटोरियम हॉल में जाते हैं एंड IPS सर एक अच्छा स्पीच देंगे, वो कवर करता हूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. हैंडल छोड़ के किसने साइकिल चलाया है? I mean, of course, it's dangerous. We don't advise it, but definitely it is a solid kick. बैठता है अपने आप को, खुद को. जब आप है ना वो stable हो जाते हो, cycle चला रहे हो और बिना handle पकड़े हुए. तो ये कुछ अपनी बचपन की है, but as a sport, बहुत सारे लोग it becomes. IPS Krishna Prakash ji, who is an Ironman, Ultraman, and raw finisher. एंड वो इकलौते ऐसे यूनिफॉर्म्ड पर्सनल है दुनिया भर में जो ये तीनों टाइटल्स हासिल किए हैं. दैट वाज माय ड्रीम टू डू सिंस चाइल्डहुड. आई वाज लाइक इन क्लास 7th और 8th व्हेन आई सॉ पीपल डूइंग थिंग्स ओवर यूट्यूब. एट दैट टाइम यूट्यूब वाज वेरी न्यू. सो बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ स्टंट्स आई ऑलवेज प्रेफर ऑल द सेफ्टीज व्हिच इज हेलमेट एंड ग्लव्स एंड ऑल दोस थिंग्स बिकॉज राइडिंग अ नॉर्मल बाइक इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. But riding these kind of bikes are totally a different concept itself. So we got a person right here, Mr. Vinay Menon, who is a big name in the mountain biking industry. So it's an honor to be here to share my experience with you all. I hope you liked it. And that's all from my side. So how did you start cycling in your young age? Big round of applause to Ron MTV, please. कमिश्नर कृष्ण प्रकाश IPS हमारे सबके चहेते. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज कृष्ण प्रकाश जी. कृष्ण आर एस्पिरेशन एंड अ वर्ल्ड प्रमोटर ऑफ साइकिलिंग. थैंक यू कृष्ण प्रकाश जी. ये हमारे मित्र डॉक्टर हितेंद्र महाजन हैं जो छत्रपति शिवाजी अवार्डी हैं और इन्होंने ये पहले व्यक्ति हैं, ये दोनों भाइयों ने मिलकर के रैम फिनिश किया है. यस, रैम रेस अक्रॉस अमेरिका. नॉट ओनली दैट, मिस्टर महाजन is
known for ocean to sky. So उन्होंने हमारे गेटवे ऑफ इंडिया से अपनी राइड शुरू की और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो हिमालयन बेस कैंप तक साइकिल से गए और हिमालय सर किया दे क्लाइम्ड एवरेस्ट. कैन बी द बेस्ट देन साइकिलिंग रनिंग एंड स्विमिंग. साइकिलिंग के लिए तो लॉकडाउन के दरमियान भी कोई मनाही नहीं थी क्योंकि साइकिलिंग सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप कर देता है. सो लेट अस अडॉप्ट दिस साइकिलिंग. और जैसा कि संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि आस्ते भगाशी नश्योदतिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चरातु चरतो भग कलिशानुभवति संजीहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठ त्रेता भवति संपदति वैचरण अस्तु चरैवति चरैवति. आपका भाग्य तब तक आसन मार कर बैठा हुआ है जब तक आप आसन मार कर बैठे हुए हो. आपका भाग्य तब तक सोया रहता है जब तक आप सोए रहते हो. आपका भाग्य तब खड़ा हो जाता है जब आप सजग होकर खड़े हो जाते हो. आपका भाग्य तब चलने लगता है जब आप चलने लगते हो. सही मायनों में कहें तो कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, ये जो मिथकीय हमारे युग रहे हैं वो सचमुच आज इसी युग और इसी स्थान पे हैं. जब तक आप सोते रहते हो यही कलयुग है. जब आप जाग जाते हो यही द्वापर युग है. जब आप जाग कर तैयारी के साथ खड़े हो जाते हो यही त्रेता युग है. और जब आप चलने, दौड़ने, साइकिल चलाने लगते हो तो यही सतयुग है. लेट अस ब्रिंग दिस सतयुग ऑन दिस प्लेस ओनली. तो मुझे, मैं अभी नया नया पुणे में शिफ्ट हूँ तो मैं यहाँ पे काफी इवेंट्स करना चाहता हूँ. एक शो पुटअप करना चाहता हूँ मैं हमारे पुलिस में के लिए. अरे हाँ तो करिए ना, इसको साइकिलिंग का एक्सपर्ट है वो. स्टंट कंटिन्यू करते हुए ब्लॉग, अभी मैं आदित्य को मिला हूँ. आदित्य कल 10 किलोमीटर की राइड कर रहा है. पहले तो डीमोटिवेशन तरीके से बोला कि 10 किलोमीटर भाई यू आर डूइंग लाइक मेरे से बहुत ज़्यादा कर रहा. मैं 1 किलोमीटर ही चला सकता हूँ, तू 10 किलोमीटर चला रहा है, तू कर सकता है, ऐसा टेंशन नहीं लेने का. एंड ही इज़ अ स्टूडेंट, वो फर्स्ट ईयर में है. क्या पढ़ रहा है अभी? इंजीनियर लौंडा है भाई, इंजीनियर लौंडा है. ऑल द बेस्ट कल की राइड के लिए. आराम से राइड करना और सेफ्टी का हेलमेट पहन के करना, ठीक है. सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग. आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं. आप लोगों को अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो. लेकिन IPSR के लिए लाइक कर देना हो तो सब्सक्राइब करके जाओ. थैंक यू.